दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत तो मिल गई, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप दिल्ली में अपना मेयर बना पाएगी। चुनाव में हार के बावजूद भी बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि दिल्ली में मेयर तो बीजेपी का ही बनने वाला है। ऐसे में चुनाव में जोड़ तोड़ और गणित को समझे तो ऐसा संभव है कि एमसीडी में मेयर बीजेपी का बन जाए। इसकी वजह यह है कि दिल्ली नगर निगम पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता है। इससे मेयर चुनाव में पार्षद आसानी से क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अयोग्य ठहराए जाने का डर नहीं होगा। भारत में चुनाव के बाद कई बार ऐसा देखा जाता है कि भले ही कोई पार्टी चुनाव में जीतकर बहुमत हासिल कर ले, लेकिन सरकार बनाने तक उसके पास कई बड़ी चुनौतियां होती हैं। ऐसे में इसी तरह का जोड़ तोड़ वाला कोई गणित दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर दिल्ली एमसीडी चुनाव में ऐसा कुछ होता है तो ये पहला मौका नहीं होगा जब जीत के बावजूद मेयर या डिप्टी मेयर जीती हुई पार्टी का नहीं होगा। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के नतीजों के बाद जिस खेल की बात की जा रही है उसे 2014 में डिप्टी मेयर के चुनाव में खेला जा चुका है। तब बीजेपी साउथ कॉरपोरेशन में सत्ता में थी, लेकिन कांग्रेस के पार्षद प्रवीण राणा डिप्टी मेयर का चुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे। बुधवार को दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के कई नेता इस बात का दावा भी कर चुके हैं कि दिल्ली में मेयर बीजेपी का ही बनने वाला है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने इशारा किया कि मेयर का चुनाव अब भी खुला हुआ है। वहीं बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने इस तरह के एक सवाल का जवाब देते हुए दावा किया कि शहर में एक बार फिर उनकी पार्टी का मेयर होगा। आपको बताएं तो एमसीडी के 250 वार्डों में से आम आदमी पार्टी को 134, बीजेपी को 104, कांग्रेस को 9 और अन्य को 3 सीटों पर जीत मिली है। ऐसे में बीजेपी नेताओं के दावों और बीते चुनाव को देख ये कहना भी मुश्किल नहीं होगा कि भले ही चुनाव के नतीजे आम आदमी पार्टी के पक्ष में हो, लेकिन संभव है कि मेयर या डिप्टी मेयर बीजेपी का हो सकता है। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक डिजिटल।